एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज कार्तिक एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल पहाड़ वाला। तो आज के इस व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा हॉस्टल रूम। तो काफ़ी ज़्यादा दिन से मैंने सोचा था कि हॉस्टल रूम का टूर दूंगा। तो फाइनली वो दिन आ गया जब मैं अपने हॉस्टल का के अपने रूम का टूर दूंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं रहता हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के YSP बॉयज़ हॉस्टल में। तो 102 नंबर रूम है। तो विशाल राणा जी जो थे मेरे रूममेट के एक्स रूममेट हैं, फिर साहिल बरवाल जी हैं वो मेरे रूममेट हैं, और फिर नीचे लिखा है कार्तिक। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट व्यू। तो काफ़ी हवा चली हुई है स्टार्टिंग इस कॉर्नर से। तो यहाँ पे की लगाई हुई है जहाँ पे कि लॉक लटकाया हुआ है। तो ये जो पेंटिंग है ये मैंने बनाई थी कुछ टाइम पहले। तो उसके नीचे जो है हमारा शू रैक है, ये हमारा शू रैक है मेरे और मेरे रूममेट का। वैसे जो हॉस्टल में है शू रैक नहीं दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे की भी एक स्टोरी है कि ये जो रैक है ये हमारे को हॉस्टल में जो है सीढ़ियों के नीचे मिल गया था। तो हमने इसको यूज़ कर लिया इस तरह से। तो इसमें हमने अपने शूज़ रखे हैं, ऊपर रखी है हमने सारे अपने जग हैं, और एक जग है वॉशरूम वाला। तो ये हमारा जो है इधर ऐसा वाला कॉर्नर है, ये कुछ इस तरह से कॉर्नर रहता है हमारा। उसके बाद ये वाला जो बेड है, ये वाला बेड है मेरा, और इस साइड को जो बेड है ये मेरे रूममेट का है। तो ऐसे सिंगल सिंगल जो है बेड मिलते हैं बॉयज़ हॉस्टल में। हमारा जो हॉस्टल है वो 2-सीटर है, और यहाँ पे जो है 3-सीटर रूम भी अवेलेबल हैं जो कि SBS हॉस्टल में है। फिर यहाँ पे हमारी कुछ बकेट्स हैं, ये मेरी बकेट है, ये मेरी रूममेट की है, और ये भी हमारी है। तो यहाँ पे जो है पानी की बहुत दिक्कत आती है, अभी आना स्टार्ट हो गया। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है हमने स्टोर करके रखा है, मैंने नहीं रखा हुआ है, मेरे रूममेट ने रखा है, मेरा थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो ये हम जो है बकेट्स में पानी रखते हैं। और यहाँ पे फिर मिलती है हमारे को अलमीराज, ये वाली मेरे रूममेट की अलमीरा है और ये मेरी अलमीरा है। तो ऊपर भी स्पेस मिल जाता है जहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं। तो मैंने एक बैग रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ बुक्स रखी है मेरे रूममेट ने। तो अभी मैं जो है अलमीरा अंदर से दिखाता हूँ कि कैसी रहती है अलमीरा। तो इस तरह से कुछ है जो अलमीरा रहती है। ऊपर मेरे बैग पड़े हुए हैं, 2-3-4-5 बहुत सारे बैग्स हैं। और यहाँ पे जो है मैंने कपड़े रखे हैं, इस पर मत जाइएगा आप बॉयज़ के ऐसे होते हैं। ये मेरी ड्रेस है कॉलेज की, मतलब BEd की। और नीचे जो है कुछ मेरा खाने वाला सेक्शन है, इसमें जो है घी है, और ये कुछ डब्बे हैं जिसमें मैंने जो है चने वगैरह डालने हैं। टिफ़िन है, और आप लोगों का फ्राई पैन है जिसमें हम चाय वगैरह बनाते हैं। कुछ थालियां हैं। तो ये वाला सेक्शन जो है मेरा एक तरह से पेंट्री है। तो ये सब यहाँ पे है जो मैंने रखा हुआ है। और इस तरह से ये जो है अलमीरा मिलती है। तो वैसे तो यहाँ पे हैंगर के लिए भी मिलता है, लेकिन मेरी वाली अलमीरा में नहीं था, वो टूट गया था। तो कुछ ऐसा रहता है यहाँ पर। अगर आप लोग मेरे पहले से व्लॉग्स देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये पेंटिंग मैंने और विशाल जो मेरा क्लासमेट है उसने बनाई थी। तो ये काफ़ी अच्छी बुद्धा जी की पेंटिंग थी जो हमने बनाई थी। हमने सोचा था कि थोड़ा सा अपने रूम को मैं डेकोरेट करता हूँ, तो ये बनाई थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी बनी थी ये पेंटिंग, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है पेंटिंग, तो आप भी बताना कैसी बनी। उसके बाद ये वाली है मेरी वाली दीवार। तो इस पर कुछ डूडलिंग करी गई है, ये जो कार्टून है इसको डूडलिंग कहते हैं। तो ये कुछ डूडलिंग मैंने ही की थी कुछ टाइम पहले, मैंने मिनी व्लॉग में दिखाया भी था। तो यही मैं उस दिन मिनी व्लॉग में बना रहा था। तो कैसी बनी है ये डूडलिंग ये भी ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद चलते हैं अगले कॉर्नर पे। सो दिस इज़ माय स्टडी कॉर्नर। तो आप लोगों को जो है हमारे वाले हॉस्टल में डिस्मिंट वाला टेबल मिलता है, साथ में आप लोगों को एक चेयर मिलती है। और जो हॉस्टल्स हैं उनमें जो है टेबल और चेयर मिलती है, हमारे इसमें ये फिक्स है, इस मिंट वाला है। तो ये कुछ स्टडी कॉर्नर है, आप अपने हिसाब से जो है इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है। सबसे पहले यहाँ पे जो है एक महादेव और शिव परिवार की पूरी फ़ोटो है जो कि यहाँ पर पहले से ही थी। और उसकी भी एक पेंटिंग है जो कि मुझे विशाल डोगरा जी ने गिफ्ट की थी, सो थैंक यू सो मच विशाल। इसमें लिखा गया है पहाड़ वाला। तो काफ़ी सुंदर जो है ये पेंटिंग है। यहाँ पे कोट है कि स्टे पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स विल हैपन। तो ये कोट है, बुद्धा जी है की पेंटिंग है जो कि मुझे समर ने गिफ्ट की थी, सो थैंक यू समर फॉर दिस लवली बुद्धा पेंटिंग। मैंने यहाँ पे कुछ जो है प्लांट्स रखे हैं सो दैट पॉजिटिव वाइब्स आ सके। ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि मैंने लाए थे, और ये मैंने DIY किया था।
जो कि कुल्हड़ पे मैंने पेंट किया था, मैंने एक मिनी व्लॉग में बताया भी था या व्लॉग में। तो ये कुछ हम मैंने प्लांट रखे हैं ताकि यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आ सकें, और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं। मैं कुछ कुछ दिनों बाद जो है फ्लावर्स लाता रहता हूँ बाहर से, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये भी आई गेस। तो इस तरह से कुछ मैंने यहाँ पे डेकोरेशन किया है। यहाँ पे मेरा लैपटॉप और पीछे कुछ कोट्स हैं लिखे हुए, और यहाँ पे जो है ये हमारी ऑब्जर्वेशन की फाइल बन रही है, उसका मटेरियल है। ये किट मुझे मेरी माता जी ने बना के दी है हैंडमेड, तो काफ़ी अच्छी बनाई है मम्मा ने, सो थैंक यू सो मच मम्मा, मैंने दिखाई भी थी व्लॉग में। और ये कुछ वहाँ पर कैंथियाँ रखी हुई है, और इधर को आता है मेरा एक पेन स्टैंड जिसमें काफ़ी सारे पेन्स रखे होते हैं जो कि यहाँ पर टेबल पर बहुत काम आते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो मेरा स्पेशल कॉर्नर है वो आ जाता है, यहाँ पे एक ड्रीम कैचर है, और यहाँ पे जो आते हैं हमारे भगवान जी आते हैं, तो ये हमारे ठाकुर जी हैं यहाँ पे, और ये मैंने एक मंदिर वाला कॉर्नर यहाँ पे बनाया है। और इसके साथ में यहाँ पे कुछ कॉपीज़ आ जाती है, ऊपर जो है मेरी सारी बुक्स आ जाती है, सारी बुक्स हैं, और इसके ऊपर भी आप लोगों को बुक्स ही दिखाई देगी। तो ये मेरा कुछ है स्टडी टेबल वाला पार्ट, और ये कुछ कोट्स लिखे हैं जो नहीं दिखाई दे रहे, इसको मैं आप लोगों को शाम को दिखाऊंगा, और साथ में ही शाम वाला व्यू भी दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ से बाहर देखते हैं, बाहर बहुत सुंदर सा व्यू आता है। ये देखिए, ये मेरे हॉस्टल की विंडो से बाहर का सुंदर सा व्यू है, तो शिमला में व्यू तो बहुत ही सुंदर रहता है। ये देखिए, मैंने जो है सारी बॉटल्स रखी हुई हैं, और साथ में वहाँ पे जो है मेरे चम्मच है, ब्रशेज़ वगैरह हैं, तो ये सब कुछ जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद आप लोगों को मैं नाइट में व्यू दिखाऊंगा, थोड़ी सी वाइब दिखाऊंगा, और इसके बाद जो कोट्स लिखे हैं वो भी पढ़ा दूंगा। तो मिलते हैं रात को गाइस। ये कुछ है यहाँ पे नाइट व्यू, तो यहाँ पे चला हुआ है बीएड ऑब्जर्वेशन फाइल का काम। जो लोग कहते हैं कि एचपीयू में कुछ काम नहीं होता, उन लोगों को बता देता हूँ कि इस तरह से ऑब्जर्वेशन फाइल बनानी पड़ती है, जिसका अभी थोड़ा थोड़ा सा काम चला हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑब्जर्वेशन फाइल का ही काम चला हुआ है, ये क्राफ्ट वर्क चला हुआ है यहाँ पे। तो जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, उनको पहले बता दूँ, सचेत कर देता हूँ। तो ये मैं और मेरे रूममेट का नाम लिखा हुआ है, लिखा गया है मेरा और मेरे रूममेट का नाम। और ये जो है मैंने एक जो है कार्ड, मतलब एक चार्ट पेपर से ही बनाया है, काफ़ी सुंदर ये लाइट देता है। मैं अभी लाइट बंद करके भी दिखाऊंगा आगे आप लोगों को। तो जो लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं होता एचपी में, उनको पहले ही सचेत कर देता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा काम होता है गाइस। तो यहाँ पे देखिए कोट्स हैं लिखे हुए, पहला कोट है कि एवरी डे इज़ द सेकेंड चांस, एंड ऊपर है दे लाफ एट मी बिकॉज आई एम डिफरेंट, आई लाफ एट देम बिकॉज दे ऑल आर सेम। इसका लिखा है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, एंड ऊपर है गुड वाइब्स ओनली, पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव लाइफ एंड पॉजिटिव वाइब। तो यही है मेरा यहाँ का थीम, तो यही था कि मुझे पॉजिटिव ही रखना है सब कुछ, इसलिए मैंने प्लांट्स भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी लाइट बंद करके दिखाता हूँ, करने के बाद कुछ ऐसा लगता है। देखिए बाहर आप लोगों को सामने व्यू भी अच्छा लग रहा होगा, और ये कुछ येलोइश सी लाइट है, तो काफ़ी अच्छा लगता है लाइट बंद करने के बाद। ये मैंने DIY से ही बनाया है, सामने लैंप में जो कवर लगाया हुआ है, तो ये कुछ ऐसा लगता है गाइस। आई होप अच्छा लग रहा होगा गाइस। इस व्लॉग में इतना ही, आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। ये मेरा जो है हॉस्टल रूम का टूर था, तो आई होप अच्छा लगा होगा। अभी इसके बाद मैंने सोचा कि और हॉस्टल्स के टूर भी दूंगा, मतलब बाहर बाहर से दिखाऊंगा। अगर किसी फ्रेंड के रूम में जा सकूं तो वो भी दिखा दूंगा, क्योंकि 3 सीटर होता है और एक 1 सीटर होता है। 1 सीटर जो है रिसर्च स्कॉलर्स को मिलता है, और 2 सीटर जो है वो मेनली ST जो ट्राइबल एरिया वाले होते हैं उनको मिलता है, तो वहाँ पर जाने की भी कोशिश रहेगी। तो अगर इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं ज़रूर जो है और हॉस्टल्स का टूर भी बनाऊँगा, इवन अपने हॉस्टल का भी टूर बनाऊँगा एक, जिसमें आप लोगों को बाहर से भी दिखाऊंगा और मैथ्स वगैरह भी सब कुछ दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।